नमस्कार, आप देख रहे घर पर नजर और आइए आज कुछ बड़ी खबरों में नजर आते हैं। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं कोरोना काल के पश्चात ट्रेनों का आवागमन लगभग अभी थोड़ा बहुत चालू हुआ है। तो काफ़ी बार हम देखने में आते हैं कि हम जब गेट बंद होता है, चालू होता है, तो काफ़ी सारी परेशानियां भी आती दूसरे लोगों को। पर इस गेट को जो मेंटेन करते हैं, आज हम उनसे बात करते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी आती है और वो किस प्रकार से इस पूरे टाइमिंग को लेकर फेस करते हैं। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पूरा इस गेट को सफाई भी करते हैं और बाकायदा मेंटेन करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, उमा खान। तो देख सकते हैं आप इनका नाम है। और कितनी बार जनरली सफाई होती है इन ट्रैकों की? सर, ये तो हमेशा मेंटेनेंस करना रखना पड़ता है। अच्छा, कभी भी ट्रेन आए उसका कोई वो नहीं है, ड्यूटी रहती है, हमेशा इसको मेंटेनेंस किया। अच्छा, ट्रेक के साथ अभी कोरोना के पश्चात के समय तो बिल्कुल ट्रेनों की आवाजाही बंद थी, और अभी फिर भी कितनी हो गई पहले के मुकाबले ट्रेनें? सर, लगभग लंबी दूरियाँ की 50% के आसपास हो गई है। अच्छा, और बाकी जो मालगाड़ियाँ हैं तो कोरोना में भी रनिंग में थी, लगातार चल रही थी। और जो हमारा विभाग है, इंजीनियर विभाग, जिसमें ट्रेनेंस होता है ऑलरेडी, मतलब चलते ही रहता है लगातार काम। ट्रेक का काम कभी बंद नहीं किया हम लोग, कभी बंद नहीं किया। अच्छा, हमारे कोरोना का एमरजेंसी है तो हमारे विभाग रहता है। रेलवे का अधिकांश विभाग, बस रेलवे में सिर्फ कुछ ऑफिस से बंद हुए थे, बाकी सब ऑनलाइन काम चलते रहा और ट्रेक का मेंटेनेंस। चलिए आइए चलते हैं, जो गेट को बंद चालू करते हैं हम उनसे भी बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आपको आप बताते हैं आज कि किस प्रकार से लॉक होता है ट्रेन और गेट बंद होते हैं, चालू होते हैं, तो उसी के संबंधित आज जो मेंटेनेंस करते हैं तो आप उनसे बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं, आ जाइए भैया। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर, उमा। तो ये देख सकते हैं ये पूरे यहाँ पर गेट को लेकर अप डाउन करते हैं। तो लगभग एक दिन में कितनी बार गेट बंद और चालू होता है? सर, पहले ट्रेन रनिंग थी तो दिन में करीबन 3 बार, रात में 3 बार, लगभग छोटा रूट है, लगभग 6 से 7 बार हो जाता है। अच्छा, और अभी कोरोना काल के पश्चात? सर, अभी तो बंद है, बाई चांस कोई एमरजेंसी ट्रेन आती है और हम के लिए कोई आती है। इस रूट पर नहीं है, 60 किलोमीटर का मीटर गेज है। हाँ, अभी नहीं। अच्छा, तो देखा आपने बहुत कम समय पे यहाँ पर कल 3 से 4 बार ही होता, फिर भी काफ़ी जगह ऐसा है कि 30 से 40 बार गेट बंद होता है, तो फिर भी यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और आपको कुछ परेशानी आती है इस काम को लेकर, आपको लगता है? थोड़ा सा क्या है कि ट्रैफिक रोड पर ज़्यादा है, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो जाता है, दुकान का आपने देखा होगा। बीच में ही अपनी कार लगा देते, गलत पार्किंग लगाते हैं, जगह गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ होती गेट। तो जो जनरली आसपास के लोग हैं लोकल, उनसे हेल्प लेके गेट बंद करने में लगभग आपको कितने मिनट पहले आपको सूचना मिलती है और आप उसको बंद चालू करते हैं? यहाँ कालाकुंड लगभग नेक्स्ट स्टेशन है जो वहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ, तो हमें हमारे रेलवे स्टेशन चोरल द्वारा सूचना मिल जाती है। हाँ, तो ट्रेन निकलती लगभग यहाँ उसे आने में 15 मिनट लगते हैं, तो हम लगभग 10 मिनट बाद 5 मिनट के लिए गेट बंद करते हैं। ठीक है, ट्रेन के निकलने 10 मिनट बाद गेट बंद करते हैं, 5 मिनट तक गेट बंद रहता है गाड़ी, 5 मिनट तुरंत वापस पहुँचते हैं। और यहाँ पर कितने लोगों का स्टाफ है? सर, यहाँ तो जनरली 12-12 घंटे की ड्यूटी है, तो एक ट्रेन में रहता है, ग्राफ में रहता है, तो जो वीकली रेस्ट होता है उसके लिए एक व्यक्ति अलग से आता है। तो आपको शासन की तरफ से और कुछ सुविधा भी दी जाती है? शासन की सुविधा है हमारे लिए, पीने का पानी नहीं है, तो हमें पीने का पानी जो बाहर से खरीदते हैं तो उसका पैसा मिलता है। उसके बाद सेफ्टी से रिलेटेड जो कोरोना काल चला था, साबुन वगैरह, सैनिटाइज, मास्क वगैरह, सब सुविधा है। नाइट करते हैं, उसके लिए नाइट अलाउंस है। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर कोरोना काल में यहाँ पर जो रेलवे का स्टाफ है वो अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करता है इस जॉब में लेकर। तो बनी मेरे साथ।
क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन वदर से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।